subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल मास्टर MST। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 4x6 पेपर में आप लोग फुल फोटो कैसे निकाले यूजिंग HP प्रिंटर। तो यहाँ पे मैं एक कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला फ़ोटो मैं ले लेता हूँ और डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में जाता हूँ, ठीक है। और किस तरह से कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, वीडियो को एकदम स्किप ना करके पूरा देखिए, ठीक है। अभी आपको हाइट और विड्थ को चेंज करना होगा, तो यहाँ पे क्रॉप करना है तो विड्थ कर लीजिए 3.5 या 6 जो आपका मन करे, और हाइट कर लीजिए 5.8 या 7 के अंदर, ठीक है। रेजुलेशन आपको 300 रखना है और यहाँ पे पिक्सल इंच में आपको रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आप लोग क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए आप किस तरह से आपको हाइट और विड्थ रखना है। तो चाहो तो पीछे बैकग्राउंड दे सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कर्व को बढ़ा सकते हो आप लोग, जो फोटो का ब्राइटनेस अच्छा होगा। यहाँ पे कर्व को बढ़ा सकते हो इस तरह से। दूसरा आप लोग ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा कमा कर सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा भी कर सकते हो और इसको कमा भी सकते हो, ठीक है। अभी आपको जो करना होगा, यहाँ पे न्यू पर आना है कंट्रोल एन करके, और यहाँ पे आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर कर देना है। अभी यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी इसको प्रिंट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद और भी सेटिंग करना है, यहाँ पे आपको स्केल टू फिट मीडिया पर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको फ़ोटो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ और भाई, और प्रिंट ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए HP का, और यहाँ पे आपका जो फुल कलर फोटो पेपर है तो लास्ट में सेलेक्ट कीजिए, आधा ग्लोजी पेपर। दूसरा यहाँ पे बेस्ट एंड कलर फ़ोटो आप लोग रख के इसको ओके कर दीजिए। आप लोग नॉर्मल कलर भी कर सकते हो, पर बेस्ट देने से आपका फ़ोटो क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा HP के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4x6 पेपर, और यहाँ पे प्रिंटर के अंदर मैं घुसा दे रहा हूँ इसको। पहले फोटो पेपर रख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रेस कर देंगे उस पेपर को, नहीं तो क्या होगा, वो अटक जाता है HP के लिए। अगर आप लोग HP यूज़र हो तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे घुस जाएंगे। तो अभी देख लीजिए, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ पे क्या होता है, HP के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाता है, आपका पेपर वहाँ पे नीचे में अटक जाता है और प्रिंट नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा घुसा देना है, ठीक है, उस पेपर को, नहीं तो ऐसा वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी फ़ोटो पेपर निकल रहा है यहाँ पे आपका 4x6 पेपर से वो जो फ़ोटो है। यहाँ पे फ़ोटो निकल चुका है, इसका आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, इतना अच्छा आया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपका तो नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर आपको कमेंट कर दूँगा।